क्या बात हुई पवन सिंह और ज्योति सिंह पहुंचे? आज रिकंसिलेशन का समय था और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष क्या कहा गया है दोनों तरफ से? दोनों पक्ष ने कहा, पवन सिंह का कथन था कि हम ज्योति सिंह को अपने पत्नी के रूप में नहीं रखेंगे, और ज्योति सिंह ने कहा कि न्यायाधीश महोदय ने कहा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधा क्या दिखा। ठीक है, धन्यवाद सर। सर 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 बताया जाए आज क्या क्या हुआ। आज रिकंसिलेशन का डेट था, ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों न्यायालय में आए हैं और दोनों को न्यायाधीश महोदय अपने चेंबर में बैठाकर समझाने का प्रयास किए और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग को एक मौका दिया जाता है, इस बीच आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लीजिए और वन टाइम सेटलमेंट करके आप दोनों अलग अलग। एक तरफ उनकी पत्नी करेगी रहना चाहती हैं या इस तरीके को? आज उन्होंने न्यायाधीश के कक्ष में कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहूं। तो तलाक फाइनल है? फाइनल। अब दोनों के बीच में एक मौका दिया गया है और उस मौका पर दोनों आपस में बात कर लेंगे कि आखिर तलाक जब किया जाएगा तो ज्योति सिंह के जीवन के लिए कौन सी व्यवस्था की जाए, मुआवजे वगैरह। हाँ, तो वो व्यवस्था होने के बाद दोनों पति पत्नी अलग। सर 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 आप पवन सिंह के वकील हैं जी, क्या कारण है कि पवन सिंह तलाक? देखिए, दोनों की विचारधारा अलग अलग है और एक दूसरे से विचार मिल नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग रहने के लिए तैयार। अगला डेट कब? अगला डेट तो हम अभी नहीं बता सकते, कंफर्म करके बताएं। क्या नाम है सर? हमारा नाम सुधांश।